हेलो गाइस, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन, जो कि बड़े मियां छोटे मियां का जो एडवांस बुकिंग है पहले दिन अच्छा ही है, ठीक ठाक है। और 2024 के शायद फाइटर के बाद दूसरी ऐसी मूवी है जिसका एडवांस बुकिंग काफ़ी बेहतर रहा है। तो अगर उस मामले में देखा जाए तो फाइटर का जो ओपनिंग था वो करीब 20 करोड़ से ऊपर ही था, और जो बड़े मियाँ छोटे मियाँ का मुझे लगता है कि इस तरह चलता रहा तो 18 से 20 करोड़ के आसपास के ओपनिंग ले सकती है। तो अर्ली एस्टिमेट ऐसे ही कुछ आ रहा है कि 16-17 करोड़ के आसपास, अगर नाइट शोज अगर इम्प्रूव होता है तो होप्स हो के नाइट शोज के कलेक्शन है वो थोड़े बढ़ के आ सकते हैं। तो ओवरऑल इसके जो कलेक्शन है डे वन का जो इसका 18 से 20 के आसपास, 20 प्लस भी जा सकता है, और तो इसका 16-17 करोड़ तो है ही है, उसके ऊपर कितना ऊपर जाता है हमें देखना पड़ेगा। फिर भी ये और इस मूवी के बजट के हिसाब से ये कम है, सच बताऊं तो इस बजट के हिसाब से ये कम है। इस मूवी का कलेक्शन आने वाले समय में ग्रोथ करना ही पड़ेगा, नहीं तो ये मूवी बहुत लंबा नहीं चल पाएगा और एवरेज मूवी में ही सिमट के रह जाएगा, क्योंकि इस मूवी को हिट होने के लिए काफी सारे कलेक्शन की जरूरत है। वीकेंड में कम से कम 60 करोड़ का चाहिए इसका वीकेंड, 55 से 60 करोड़ का इसका वीकेंड चाहिए फर्स्ट 3 डेज, और इसका तो फिर भी 4 डेज वीकेंड है इसका, और इसका जो 4 दिन का कलेक्शन है करीब 70 करोड़ का कलेक्शन अगर 4 दिन में हो जाता है तो अच्छा माना जाएगा, और फिर ये ग्रोथ कर सकता है आगे कितना आगे जाएगा और हिसाब से हम देखेंगे। और इसके आगे जब इसका नेट कलेक्शन आएगा और इसका जो फर्स्ट वीकेंड कलेक्शन आएगा उसके बारे में जब भी आएगा हम आपको, फर्स्ट वीकेंड कलेक्शन आने के बाद हम आपको आपसे मिलेंगे और इसके बारे में चर्चा करेंगे कि ये मूवी कहाँ तक जाएगा। और तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए और आगे की तमाम जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, और आगे के तमाम बॉलीवुड स्पोर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट से जुड़ी तमाम अपडेट्स के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू, जय हिंद।